आज का हमारा आर्टिकल है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल है बेसिक कॉन्सेप्ट में वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम, यानी कि जो हमारे पास एटम है उसकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो पहला हमारा आर्टिकल है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से क्या हुआ, डिराइव हुआ। अगर हम एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो सबसे जो फर्स्ट में हमारे पास वर्क आ रहा है वो है ग्रीक फिलासफर्स। यूनानी फिलासफर्स ने जो एटम के बारे में कंसेप्ट दिया उसको हम इसमें देखेंगे। तो ग्रीक फिलासफर के मुताबिक मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइड। यानी कि मादा जो भी है, हमारे पास जो मैटर है जिसको हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसको जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे, एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई मैटर है, इसको हम ब्रेकअप करना शुरू कर दें तो हम एक फॉर एग्जांपल ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हमारे पास जो है स्मॉलर स्मॉलर जो है वो पार्टिकल्स आ जाती हैं। हम इतना कि ज़्यादा इस मैटर को क्या कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचे हैं जिसको हम मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारे पास ग्रीक्स के मुताबिक क्या होगा, एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये जो सबसे छोटा पार्टिकल हमें मिला है जिसकी आगे तकसीम पॉसिबल नहीं है, इसी को जो नेम दिया है डेमोक्राइटस ने, वो किस चीज़ का नेम दिया है, वो नेम दिया है
एटम का। डेमोक्राइटस एक ग्रीक क्या है, फिलोसोफर है। वो कहता है कि जब हम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंचते हैं, किसी भी मैटर को ब्रेकअप करते हुए एक छोटे से पार्टिकल पे पहुंचते हैं जिसकी आगे तकसीम इम्पॉसिबल है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम नेम देंगे किस चीज़ का, एटम का। तो लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है ग्रीक वर्ड एटमोस, जो कहां से लिया गया, एटम से। कि ये जो हमारे पास एटमोस है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीन होता है इंडिविजिबल, वो चीज जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते मजीद, वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। यानी कि इंडिविजिबल जो पार्टिकल है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा ग्रीक्स के मुताबिक, एटम कहलाएगा। अब ये जो लफ्ज एटम है ये हमारे पास इंग्लिश वर्ड है या इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे पास ये वर्ड है एटम, जो दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है ए और टॉम का। जो ए है उसका मतलब है नॉट, और जो टॉम है उसका मतलब है कटेबल। यानी कि एटम वो पार्टिकल है जिसको हम कट नहीं कर सकते। तो ये लफ्ज जो है वो एटमोस से हमने जो लिया है, हमारे पास कौन सा है, एटम। तो ग्रीक फिलासफर के मुताबिक हम मैटर को इतना ज्यादा ब्रेकअप करें कि हम इतने छोटे पार्टिकल पे पहुंच जाएं जिसकी तकसीम आगे मजीद पॉसिबल ना हो, वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। तो ये था ग्रीक फिलासफर का वर्क इसके बारे में, एटम के बारे में। अब इसे आगे हम देखते हैं, लेकिन ये जो ग्रीक फिलासफर का जितना भी वर्क था ये इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल जो है वो बेस नहीं थी। ये ग्रीक फिलासफर जो थे इनका ये वाला जो वर्क था इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं थी। अब इसके बाद हम आगे आते हैं 17 सेंचुरी में जो वर्क हुआ उसको देखते हैं। सेवनटीन सेंचुरी में जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस है उनको डिस्कस किया गया, और ये कहा गया कि हमारे पास फ्यू एलिमेंट्स हैं जो मिलके मैंने जो है वो सब्सटेंसेस की क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। चंद एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारी सब्सटेंसेस में बार बार क्या होती हैं, वही एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। और ये भी देखा गया कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं,
कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स जो है वो ब्रेकअप होके अगेन क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स बना देते हैं। तो ये था वर्क 17 जो है वो सेंचुरी में जो वर्क हुआ कि फ्यू एलिमेंट्स, चंद एलिमेंट्स हैं जो मिलते हैं और बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं वो बनाते हैं, वही एलिमेंट बार बार डिफरेंट सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, और कंपाउंड्स को कैसे फिर ब्रेकअप किया जाता है उन्हीं एलिमेंट्स में। तो ये 17th सेंचुरी का जो है वो वर्क था। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट काम है उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वर्क है जॉन डाल्टन का, जॉन डाल्टन हमारे पास क्या है वर्क है, यह हमारे पास डाल्टन वर्क, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर है, जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक जो है वो थ्योरी पेश की, जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी पहले हम उसको देखते हैं। All matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties. All matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties. यानी कि जितने का जितना हमारे पास मैटर है या मादा है ये जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से जो है वो मिलकर जो है वो बना हुआ है, और उन एटम्स की जो खसूसियात हैं वो आपस में क्या हैं, डिफरेंट हैं। ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। जॉन डाल्टन ने ये जो एटॉमिक थ्योरी पेश की उसने कहा कि हमारे पास दो लॉस हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, वो अगर हमने एक्सप्लेन करने हैं तो वो एक्सप्लेन होंगे बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। यानी कि जॉन डाल्टन रिकॉग्नाइज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। अगर एटम्स होंगे तो हम इस बेस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो दो लॉस हैं, एक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
और जो दूसरा है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके मुताबिक ये जो दोनों लॉस हैं इनको अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स जो है वो होना चाहिए, फिर जाके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो एटम है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसका होना ज़रूरी है अगर हमने इन दोनों लॉज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इन लॉज को हम वन बाय वन आगे डिफाइन करेंगे, फिर इसे आगे देखेंगे कि हमारे पास जो एटम की डेफिनेशन है वो क्या है।